स्मार्टफोन है वो आपसे अगर गुम हो गया या चोरी हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो आप बिल्कुल सेफ रहे। तो उसके लिए जो है सबसे पहला प्रोसेस होता है, आपको जो है पहले अपने सिम कार्ड जो है उस ऑपरेटर को कॉल करके जो है आपका सिम कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए। उसके बाद जो आपका हैंडसेट होता है उस हैंडसेट को भी जो है आपको ब्लॉक करवाना चाहिए, लेकिन आप वो करवाना भूल जाते हैं, आप उसे मतलब क्या है आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक और इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो कैसे आप जो है आपका अगर मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो कैसे अपने डिवाइस को भी जो है आप ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर आपको वो डिवाइस मिल जाता है तो फिर अनब्लॉक भी कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मोबाइल का IMEI को ब्लॉक करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और इस वेबसाइट को जो है सर्च कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा आपको जो है इंटरफेस देखने मिलेगा। इस इंटरफेस में जो है आपको पूरा देख लीजिए, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाइए। जाने के बाद में यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्लॉक, अनब्लॉक और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, तीनों दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो है कैसे पहले आपको IMEI नंबर जो है उसको ब्लॉक करना है, तो उसके लिए सिंपल सा जो है आपको यहाँ पे रेड कलर पे जो लिखा हुआ है ब्लॉक स्टोनन मोबाइल उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा गया है जो यह जो है किस किस स्टेट में जो है वर्क कर रहा है। फिलहाल ये जो है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है अभी अवेलेबल है। तो फिर इससे करने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर आपका गुम हो चुका है वो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते देखते भी जो है आप अपना जो जो IMEI नंबर मतलब फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर फर्स्ट फ़ोन का जो EMI नंबर है, जो पहला सिम का EMI नंबर है 15 डिजिट का, वो आप डाल लीजिए। फिर सेकेंड EMI अगर है तो IMEI नंबर है तो वो डालिए। फिर उसके बाद आपका जो मोबाइल कौन से मॉडल का है वो डालिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपने मोबाइल का जो ख़रीदा था तो उसके उसमें जो आपको इनवॉइस दिया था वो यहाँ पर जो है आपके पास अगर है तो वो अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद जो है नीचे की तरफ आप थोड़ा आइएगा तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट ये प्लेस आपका बता रहा है, मतलब किस जगह पे जो आपका ये फ़ोन गुम हुआ था वो बताया। फिर किस डेट को हुआ, कितने बजे आपका फ़ोन गुम हुआ, फिर किस स्टेट का है, किस स्टेट में आपका गुम हुआ मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पुलिस का जो FIR का जो कॉपी होता है कौन से पुलिस स्टेशन के अंडर भी पड़ता है, और आपका जो है FIR नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। फिर बगल में देखिए अपलोड पुलिस कंप्लेन मतलब FIR का जो कॉपी है वो आप यहाँ पर जो है अपलोड आपको करना पड़ेगा, तभी जो है आगे के प्रोसेस हो पाएंगी। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे जो है मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है ऑनर जिसके नाम पे वो मोबाइल है वो वहाँ पे नाम आपको लिखना है। फिर ओनर जो मोबाइल का ओनर है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ देखिए अपलोड आइडेंटिटी, इस पर आपको जो है आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आपको जो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपका जो ID कार्ड है उसका जो जो नंबर होता है वो यहाँ पर पुट करना होगा। फिर आप अपना मोबाइल ईमेल ID जो है वो यहाँ पर दे दें। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा देके सिंपल की तो सिंपल सा आप जो मोबाइल नंबर ऊपर दिए हैं उसमें जो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख जाएगा, तो गेट OTP पे क्लिक करेंगे फिर आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है और नीचे की तरफ आइएगा तो सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद जो है आपको एक टिकट नंबर मिलेगा। तो टिकट नंबर मिलने के बाद जो है आप यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर जो है आपको रिक्वेस्ट आईडी जो है जो टिकट नंबर है वो यहाँ पे डालकर सबमिट करके जो है आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। फिर और एक फीचर यहाँ पर है, देखिए अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, मतलब अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो उसके बाद उसे आपको कैसे अनब्लॉक करना है, तो उसके लिए जो है आपको जो टिकट नंबर मतलब रिक्वेस्ट आईडी मिला है वो रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ डालना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है जिसमें आपका OTP गया है। फिर उसके बाद जो है रीज़न ऑफ अनब्लॉकिंग मतलब क्यों आप जो है अनब्लॉक करना चाहते हैं वो सारे रीज़न जो है ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ देखिए कैप्चा आया हुआ है, तो कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालकर गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद सबमिट कर दे तो आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार देना ना भूलें।